नमस्कार, मैं अमलेश कुमार। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो बच्चे डीएवी के हैं, स्टैंडर्ड 8 और 11। आप सभी को पता है स्टैंडर्ड 8 और 11 का जो एनुअल एग्ज़ाम होता है, उसका जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाती है डीएवी सीई करवाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएवी सीई और क्वेश्चंस भी जो आते हैं एनुअल एग्ज़ाम के, जो क्वेश्चंस आते हैं वह डीएवी सीएमसी की तरफ से आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डीएवी सेंटर फॉर एकेडमिक एक्सेलेंस, इसको शॉर्ट में हम लोग डीएवी सीई बोलते हैं, ठीक है। तो जो डेट शीट आया है, एक्चुअली ये स्कूल को मेल में पहले भी दिया जा चुका है और आई होप कि ये डेट शीट सभी स्कूल वाले सभी बच्चे को दे दिए हैं, बट जो dvce.net.in का जो वेबसाइट है उसमें जो है 22nd को जो है इस डेट शीट को अपलोड किया गया था। तो चलिए इस डेट शीट के बारे में बताते हैं। ये डेट शीट उन सभी बच्चों को हैं जो स्टैंडर्ड 8 और 11 के हैं, जिनका एग्ज़ाम जो है वह स्टार्ट होने वाला है 17th। आप देख सकते हैं एग्ज़ाम जो स्टार्ट होने वाला है 17th फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, सैटरडे से। और जो स्टैंडर्ड 8 का जो पेपर है वह मैथमेटिक्स है। टाइमिंग ध्यान रखेंगे आप सभी, 9:30 से 12:30 तक है, 3 आवर्स का टाइम है। इसमें भी जो है एग्ज़ाम जो है आपको लिखने का जो टाइम है 9:30 से, कोई कोई स्कूल में आपको हो सकता है कि 15 मिनट क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम देने का हो, बट जो आप एग्ज़ाम लिखेंगे उसका जो टाइम है वह 3 आवर्स का है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 9:30 to 12:30, यानी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टैंडर्ड 8 और 11 के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम सेम टाइमिंग पर स्टार्ट होगा। यदि मैं बात करूँ फर्स्ट डे जो स्टैंडर्ड 11 का जो है वह फिजिक्स और अकाउंटेंसी है। नेक्स्ट जो है मंडे यानी 19 का बात करें, 19 में स्टैंडर्ड 8 का कोई भी पेपर नहीं है और स्टैंडर्ड 11 का हिंदी कोर है। तो मैं बात करूँ झारखंड में बहुत कम स्कूल्स में जो हैं वह स्टैंडर्ड 11 में हिंदी है, तो जिनका हिंदी है वो हिंदी का एग्ज़ाम होगा। नेक्स्ट बात करूँ जो नेक्स्ट जो पेपर है वह 20th को है, 8 के लिए SST है। और 11 का बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड IP एग्ज़ाम होगा। फ्राइडे का बात करें आप देख सकते हैं 23rd हिंदी है और बायोलॉजी है स्टैंडर्ड 11 के लिए। आगे बात करते हैं 27th को जो है यानी डे ट्यूजडे है, साइंस है स्टैंडर्ड 8 के लिए, स्टैंडर्ड 11 के लिए मैथमेटिक्स है। सेम 29th को जो है थर्सडे संस्कृत पेपर है स्टैंडर्ड 8 के लिए, इंग्लिश कोर पेपर है स्टैंडर्ड 11 के लिए। 1 मार्च को फ्राइडे को रीजनल लैंग्वेज का बात करते हैं, तो रीजनल लैंग्वेज में जैसे पंजाबी हो गया और भी बाकी हो गया। और मैं झारखंड का बात करूँ तो रीजनल लैंग्वेज में यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, तो जो बच्चे का यदि रीजनल लैंग्वेज है पंजाबी है उड़िया है जो भी है उनका एग्ज़ाम होगा। बट स्टैंडर्ड 11 का जो है वह फिजिकल एजुकेशन PHE है। नेक्स्ट यदि बात करूँ यहाँ पर जो नेक्स्ट पेपर है वह 4 मार्च को है, 4 मार्च को स्टैंडर्ड 8 के लिए इंग्लिश है और स्टैंडर्ड 11 के लिए इकोनॉमिक्स है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स लिए उनका इकोनॉमिक्स होगा। और जो लास्ट पेपर है स्टैंडर्ड 8 और 11 का वह आपको 6 को मॉरल एजुकेशन और स्टैंडर्ड 11 के लिए जो है वह केमिस्ट्री एंड BHT है। तो डेट शीट आप ध्यान से देख ली और इसके अनुसार आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। एंड आई होप कि डेट शीट आप सभी को मिल चुका हो पहले भी, नहीं भी है तो आप इसे नोट डाउन कर ले अपने डायरी में, जहाँ भी आपका स्टडी रूम है वहाँ पर आप इसको पेस्ट कर ले। आप इसका नहीं होता तो स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं, प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। मैं एक चीज़ बता दूं कि जो स्टैंडर्ड 8 और 11 का जो पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है DAV CMC जो क्वेश्चन पेपर आता है उसका लेवल थोड़ा हटकर होता है, तो उस पैटर्न को पकड़े आप। स्टैंडर्ड 8 और 11 का सैम्पल पेपर भी CBSE रिलीज कर चुकी है, मैंने शेयर कर दिया है, और 8 के लिए तो बुकलेट भी दिया गया है। स्टैंडर्ड 11 के सभी बच्चे के पास सॉफ्ट कॉपी सैम्पल पेपर दे दिए हैं। यदि किन्हीं को सैम्पल पेपर किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप कमेंट बता दें, मैं उसे कमेंट बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा। और कम से कम तो आप फाइनल एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम 4 से 5 जो इसके सैम्पल पेपर DAV CE का जो सैम्पल पेपर होता है आप उसे ज़रूर देखें और उसके अनुसार आप पैटर्न को पकड़ें। डिफ़िकल्ट नहीं होता है, यदि आप सैम्पल पेपर को देखकर प्रिपरेशन करें, 2-3 सैम्पल पेपर बना ले तो आपका मार्क्स अच्छा आएगा। एंड आई होप कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। लास्ट जो पेपर है वो आपका 6 मार्च को है, और मैं बता दूँ स्टैंडर्ड 9 का क्लास हो सकता है कि लेट से स्टार्ट हो, बट स्टैंडर्ड 12 का क्लास
सिक्स मार्च को एंड हो रहा है, तो जो सेकेंड वीक होगा उसमें आपका क्लासेस भी शुरू हो जाएगा। कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।